प्रेम। आज देखिए मेरे एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान के आईन को अगर आप उठाएंगे तो उसके क्लॉजेस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आदमी या एमपीए हो सकता है या एमएनए हो सकता है या एमपीए एमएनए हो सकता है, इनमें से एक हो या सेनेटर हो सकता है। दो एमपीए एमएनए और सेनेटर की सीट, दो सीटें एक वक्त में नहीं रख सकता। लेकिन पाकिस्तान का आईन जो है बिल्कुल खामोश है इस वाली बात पे कि यूसी का चेयरमैन और एमपीए एक साथ नहीं हो सकता, या यूसी का चेयरमैन और एमएनए नहीं हो सकता, या यूसी का चेयरमैन और सेनेटर नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान का आईन जिस चीज़ की इजाज़त देता हो तो उसके ऊपर लोकल बॉडीज़ एक्ट मेरे लिहाज से हैसियत नहीं रखती। मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू डाला था सामने, और वो जो है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे उन्हें का उनकी इंटरप्रिटेशन के लिहाज से ये कि अगर मैंने वोट डाला तो वो मुझे डीसीट कर देंगे नेशनल प्रोविंशियल असम्बली से। मेरी तरफ पार्टी की तरफ से यही हुक्म है कि मैं इस वक्त पार्टी की वाहिद आवाज़ हूँ, बाकी सबको तो उन्हीं ने गायब किया हुआ है। मैं असेंबली में जाके फिर इस बजट पे तकरीर करना चाहता हूँ। मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकाल रहे स्पीकर साहब, ये नहायत ही मैं समझता हूँ ज्यादती वाली बात है कि एक माह हो गया असेंबली का इजलास चल रहा है और अपने प्रोडक्शन ऑर्डर की उनको इतनी फिक्र थी, लेकिन आज मुझे जेल में बैठे हुए एक माह हो चुका है।